ग्वालियर के बाल भवन पर मदर्स डे के उपलक्ष्य में सुपर मॉम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन SA प्रोडक्शन, TVS लाइव बैंड और ग्वालियर नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। इस भव्य सुपर मॉम सेरेमनी का मीडिया पार्टनर MP टुडे नेटवर्क रहा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह, डिप्टी कमिश्नर अमर गुप्ता, ग्वालियर एडिशनल SP क्राइम राजेश डंडोतिया, महिला पुलिस से हिना खान, अनीता मिश्रा, युवा कांग्रेस नेता मितेंद्र दर्शन सिंह सहित लक्ष्मी अग्रवाल ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके साथ गणेश वंदना पर नर्तिका द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। TVS बैंड लाइव द्वारा बैंड परफॉर्मेंस भी दी गई, जिसमें तारे जमी का सॉन्ग मेरी माँ गाया गया। सुपर मॉम सेरेमनी में शामिल हुई करीब 112 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें 30 से ज्यादा महिलाएं, घरेलू सहायिका, डॉक्टर्स एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दय ध्रुपद गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, मृदंग बजावे, मृदंग बजावे। माँ इकलौती ऐसी शख्स होती है जो किसी बच्चे की हजार खामियां देखकर भी उसे बार बार माफ करती है, और ये उसका पागलपन नहीं है, बेवकूफी नहीं है, ये उसका प्रेम है, उसका स्नेह है, उसका प्यार है, उसका अनुराग है अपने बच्चे के प्रति, जो उसकी इतनी सारी गलतियों को भी माफ करती है और असीमित प्रेम लुटाया करती है। माँ का योगदान, माँ का कार्य, माँ की जो भूमिका होती है, उसे हम एक दिन में नहीं बांध सकते और ना हम एक दिन में उसका धन्यवाद कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कितनी जरूरी है। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, आपने एक श्लोक सुना होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिपति गरीयसे, यानी कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अलग अलग धर्म और अलग अलग संस्कृतियों में माँ के महत्व को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। जैसे कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है माँ के पैरों के नीचे। तो आप खुद सोच लीजिए कि माँ का कितना बड़ा ओहदा है, कितना बड़ा दर्जा है। एक माँ ही है जो 24/7 यानी कि 24 घंटे सातों दिन वर्ष के 365 दिन काम करती रहती है और कभी छुट्टी नहीं लेती। छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना पाऊँगा।
दूर तुझको तू शायद भी तुझको आना देखिए बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इसमें मदर्स डे का जो संदेश है वो भी दिया गया। हमारे तरफ से ऐड किया गया कि मदर्स अपने बच्चे को सब संस्कार देती हैं, इसमें स्वच्छता का संस्कार भी सर्वोपरि है और इनके मदद से हमारे जो नगर निगम के जो कार्य हो रहे हैं वो भी आगे बढ़ने में सहायक होंगे। ये ऐसे ग्रुप के द्वारा सुपर मॉम का जो आज मदर्स डे में सेलिब्रेशन किया गया है और सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और निश्चित रूप से सभी माँओं को सम्मानित करना चाहिए अपने स्तर पर जो जहाँ पर है, क्योंकि माँ को सभी जाति धर्म समाज और सभी विश्व में सभी देशों में इनका सर्वोच्च स्थान है। माँ का स्थान महान है, सर्वोच्च है और आज का दिन एक दिन डेडिकेशन के लिए मिलता है कि हम उस दिन माँ का जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारी प्रथम गुरु होती है, किसी भी बच्चे की जो प्रथम गुरु होती है वो माँ ही होती है। जैसे ही बच्चा जो जन्म लेता है तो माँ को ही देखता है और माँ से ही सारी चीज़ें सीखता है, तो ऐसी महान जो विभूति है जो माँ को जो हम समझते हैं, जिसको माँ को कहकर संबोधित करते हैं, हमें उसको आज के दिन उनका सम्मान करना चाहिए। ये इनके ऐसे प्रोडक्शन के द्वारा कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाकर उनको सम्मानित किया गया है। मेरा ये सोचना है कि आज के दिन हम सभी लोग अपने अपने स्तर पर कहीं ना कहीं माँ को माँ के सम्मान के लिए कहीं ना कहीं प्रचंड रहें, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आयोजन करें जिससे उनको गौरवान्वित महसूस हो सके। जिस तरीके से इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया, एक बहुत ही सरल तरीके से हर माँ को सम्मान दिया गया, वो माँ
कोई डॉक्टर है, वो माँ कोई टीचर है, वो माँ कोई हाउसवाइफ है, पर माँ का सबसे बड़ा योगदान है अपने बच्चे को बनाने में, और जब बच्चा बनता है तो देश बनता है। तो मैं मानता हूँ माँ का योगदान ही देश बनाने के लिए होता है। और एक कहावत है जो मैं हर जगह कहता हूँ और कई जगह बहनों के लिए भी कहता हूँ कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भी गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो याद रखिएगा, ये दुनिया है आपको परेशान करेगी, 10 बातें बोलेगी, तो लोगों का काम है कहना। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एक जीवन मिला है, वो माँ के लिए समर्पित। धन्यवाद। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।